नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल सियाराम स्टॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपके लिए एक और शेयर लेकर आया हूँ जो कि एक पैनी शेयर है और वो 3 रुपये का है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो 3 रुपये का एक पैनी शेयर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो एक शुगर कंपनी का पैनी शेयर है जो कि आंखें बंद कर कर आप उसे ले सकते हैं, जिसने नेट प्रॉफिट यानी जो उसका क्वार्टर है यानी जो मार्च का क्वार्टर है उसमें उसने 26 करोड़ रुपये का उसने प्रॉफिट दिया है। और इस सेक्टर में गारंटेड है कि पैसा बनेगा ही बनेगा। तो आप इस जो शुगर वाला एक पैनी शेयर हम बता रहे हैं, जो 3 रुपये का एक शुगर वाला पैनी शेयर है, आप उसे आंखें बंद कर कर भी उठा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। और उसने मार्च के क्वार्टर में 26 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अपनी कंपनी को कराया है, अपने इन्वेस्टर्स को कराया है। 26 करोड़ का प्रॉफिट उसने दिया है इस क्वार्टर में, मार्च वाले क्वार्टर में। तो चलिए हम अपने जो कंपनी है उसके फंडामेंटल्स की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कंपनी इस समय 3.30 पर ट्रेड कर रही है, जिसने आज हमें 4 लगभग 5% बोल सकते हैं, 5% का इसने हमें रिटर्न दिया है। अगर हम इसे थोड़ी लंबी अवधि में देखने की कोशिश करें तो पिछले 1 महीने में इसने अपने इन्वेस्टर्स को -14 का लॉस किया, -14% का इसने हमें लॉस कराया है। थोड़ा और लंबी अवधि में देखें तो पिछले 6 महीने में आपको मैं इसके ग्राफ दिखाऊंगा। जो पैनी शेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अपॉर्चुनिटी। पैनी शेयर हमेशा 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास रहता है, हमें उस अपॉर्चुनिटी को देखना होता है कि वो हम कब खरीदते हैं और वो कब 15 से 30 तक जाता है, जहाँ पे हमें कमाई करनी होती है। अब इसमें मैं अपॉर्चुनिटी दिखाऊँ, देखिए अप्रैल 2022 के आसपास ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका शेयर का प्राइस 2.46 रुपये था 29 मार्च को, यानी मार्च 2022 में। फिर इसका शेयर का प्राइस 4.95 रुपये, यानी लगभग 5 रुपये इसका शेयर का प्राइस हो गया अप्रैल 2022 में, यानी 1 महीने के अंदर अंदर इसके शेयर का प्राइस 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। बात करें हम इसके 1 साल के ग्राफ की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 साल के ग्राफ में भी इसने हमें कई बार अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का खेल होता है सारा पैनी शेयर में। अगर आप किसी पैनी शेयर में नज़र बना कर रखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सारी, अभी देखिए मैं वही बताऊं आपको, 6 महीने में दिखाने की कोशिश करूं। ये आप ग्राफ देखिए, जिस हिसाब से ग्राफ बन रहा है ना, ये पहले नीचे गया, ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, और ये फिर नीचे जा रहा है, और ये अभी एक बार ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये इस वाले ग्राफ से, इस वाली पीक से भी ऊपर जाएगा, ये वाला इस वाले पीक से गारंटेड ऊपर जाएगा। तो हम ये जो एक बार ऊपर जाके नीचे आएगा ना, इसी चीज़ का हमें वेट करना है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको किस प्राइस रेंज के अंदर शेयर को ख़रीदना है, या मेरा जो अनुमान है आपको एक किस प्राइस रेट पे सही रहेगा ख़रीदना। फ़िलहाल अभी कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो कंपनी है हमारी, उसकी जो मार्केट कैपिटल है ना, वो उसकी मार्केट कैपिटल है 14.4 करोड़ की, यानी 14.4 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। इसके शेयर का प्राइस करंट प्राइस 3.30 रुपये है। वहीं बात करें इसके फेस वैल्यू की, तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये इसके शेयर के प्राइस के फेस वैल्यू है। वहीं इसका 1 साल का अधिकतम 5.11 रुपये और 1 साल का न्यूनतम 1.90 रुपये, यानी कितना अंतर है। आप 1 साल के अंदर भी 3 से 4 गुना पैसे का रिटर्न आप पा सकते हैं। बात करें कंपनी के प्रोज की, तो कंपनी का देखिए, कंपनी इज़ एक्सेप्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। जैसा कि हमने आपको बताया, मार्च वाले क्वार्टर में इसने 26 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, तो बहुत ज़्यादा एक और एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से कि एक और अच्छा क्वार्टर दे। कंपैरिजन देख लीजिए आप, इसका कंपैरिजन ईद पैरी, बलरामपुर चीनी या रेणुका शुगर, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों से जिनका शेयर का प्राइस 48,507 रुपये तक का है, उनसे कंपैरिजन हो रहा है। और जब उनके कंपैरिजन में खड़ी है कंपनी, तो जाहिर सी बात है अच्छा करेगी, करने ही वाली है कंपनी। और मैं आपको इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग दिखाता हूँ, सबसे मेन जो आप सभी जानते होंगे, जिस भी कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग होती है, यानी प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स की होल्डिंग होती है, वो शेयर्स काफ़ी सेफ होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 57% जो है प्रमोटर्स होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग केवल 42.70 है। तो ये शेयर काफ़ी सेफ भी है।
अब बात करें हम आपको किस प्राइस रेंज में शेयर खरीदना चाहिए, तो ये शेयर आपको गारंटेड अभी जैसे मैंने बताया एक पीक ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, आपको जो नीचे पीक आएगा ना आपको वहाँ पे शेयर को ख़रीदना है। और ये शेयर आपको 2 रुपये 20 पैसे से लेके 2 रुपये 70 पैसे तक आराम से मिलेगा आपको उस शेयर प्राइस में जाना। कोशिश करें 2 रुपये 70 तक ना, तो 2 रुपये 20 से 2 रुपये 20 पैसे से लेकर 2.5 रुपये यानी 2 रुपये 50 पैसे तक ही आप इस शेयर को ख़रीद लें। ये आपको आने वाले 6 महीनों में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है। और एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूँगा, बहुत कम पैन शेयर होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी अच्छी इनकम करा सकते हैं, तो ये वन ऑफ दैट शेयर इज़ दिस। बिकॉज इसमें ना, क्योंकि पैन शेयर यार बहुत कम होते हैं जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कमाई कराते हैं। ये मैंने अभी आपको ग्राफ में दिखाया, इसने हमें कई अपॉर्चुनिटी दी, पूरे दिन इसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अगर आप इस शेयर को एनालाइज करें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कब इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है और कब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फ़िलहाल मैं आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आप अपने एनालाइज करके इंट्राडे ट्रेडिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे वह कंपनी है गायत्री शुगर्स लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस शुगर कंपनी की हम बात कर रहे थे उसका नाम है गायत्री शुगर्स लिमिटेड। आप इसके शेयर के लिए आने वाले टाइम में ज़रूर जा सकते हैं, जो अगर ये आपको 2 रुपये 20 पैसे से 2.5 रुपये तक अगर ये शेयर का शेयर आपको मिल जाता है तो आप ज़रूर इस शेयर के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का शेयर। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि समय रहते आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।